और दोस्तों मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा घर पर आकर पूरी बात बताती हुई नजर आती है कि आखिरकार मीत अलावत के साथ में क्या क्या हुआ है और ये सब कुछ किसने किया है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि नीलम ने जो कि पहले मीत हुड्डा के सर में रॉड मारी थी और रॉड मार के बेहोश करने के बाद में हाथों में भी काफ़ी ज़्यादा उसके में दिक्कत हो गई थी, लेकिन दोस्तों अब आप लोग देख पाएंगे कि मीत हुड्डा ही खुद पोल खोलती हुई नजर आने वाली है सभी लोगों के बीच में। क्योंकि जहां पर नीलम अपने आपे को इतनी अच्छी बहू साबित कर रही है घर में कि संस्कारी बहू, लेकिन कोई भी घर में ये नहीं जानता कि संस्कारी नहीं है बल्कि ये बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। इसके दो रूप हैं, एक लैला का किरदार है और दूसरा जो कि खुद अपना नीलू वाला किरदार है। लेकिन दोस्तों लैला के किरदार में कब आ जाए और कब किस पर भारी पड़ जाए ये पता नहीं चलता। लेकिन दोस्तों वहीं पे ही मीत अलावत और मीत हुड्डा पूरी की पूरी जानकारी ले चुके हैं और पूरा पता लग भी चुका है कि ये नीलम कब अपना रूप बदल देती है ये भी पता है। आप लोगों के बीच में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर बर्फी देवी और उसकी बेटी नीलू जो कि एक्सपोज होने जा रही है। सबसे पहले तो दोस्तों घर वालों को किसी को विश्वास नहीं होगा मीत हुड्डा की बात पर कि आखिरकार किडनैप कैसे हुआ, क्योंकि मीत हुड्डा ने पूरी बात सभी को बता दी है कि मीत अलावत का किडनैप किया है और वो किडनैप करने वाला कोई और नहीं है बल्कि इसी घर का शख्स है। जी हाँ, क्योंकि नीलू ही है, नीलू नहीं वो किडनैपिंग की है। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय की एक नई अपडेट और मिल रही है हम लोगों के बीच में। नई अपडेट इस प्रकार से है कि एक बार फिर से नीलू करेगी मीत हुड्डा पर विवाद, क्योंकि मीत हुड्डा ने पोल खोली है तो इसलिए वो मीत हुड्डा को भी छोड़ने वालों में से नहीं है। क्योंकि नीलू को जितना लोग इजी ले रहे थे नीलू सब पर भारी पड़ती हुई नजर आने वाली है। नीलू का मानना यह है कि जितने लोगों की इज्जत करो इतने ही लोग ज्यादा पैर फैलाते हैं, इसलिए अब इज्जत किसी की करनी बंद। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइज आपको मेरी वीडियो आखिर कैसे लग रही।